पर जैसा एलजी साहब ने कल भी हमारी इंडिपेंडेंस डे की परेड में भी एक ही बात कही कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। बेगुनाह को छेड़ो मत, बेगुनाह को छेड़ो मत, अरे बेगुनाह को छेड़ो मत, जस्टिस जस्टिस, जस्टिस जस्टिस। बेगुनाह को छेड़ो मत, बेगुनाह को छेड़ो मत, अरे बेगुनाह को छेड़ो मत, जस्टिस जस्टिस, जस्टिस जस्टिस, जस्टिस जस्टिस, जस्टिस जस्टिस, जस्टिस जस्टिस, इंसाफ करो, इंसाफ करो, सर आज जैसे आप जानते हैं हमें 34 दिन हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हुए। डिमांड सर सेम है, जो पहले दिन डिमांड थी हमारी आज भी सेम डिमांड है कि इंक्वायरी कराना चाहते हैं आप इंक्वायरी करवाइए, सीबीआई करवाना चाहते हैं, एसीबी करवाना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी एजेंसी इतनी केपेबल है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करें और ऐसा ना हो कि कल्प्रिट बाहर ना आ पाए। इतनी नलायक एजेंसीज हमारी स्टेट की नहीं है, ना हमारे सेंटर की ऐसी एजेंसीज हैं। तो सर डिमांड सेम है कि इन केस अगर आपको कोई कल्प्रिट फाइंड आउट हो रहा है तो हमें कलेक्टिव पनिशमेंट से दिक्कत है, उसके अलावा हमें कोई परेशानी नहीं है। हम पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रहे हैं इंक्वायरी को। आपको जो जो हमारी तरफ से कॉपरेशन चाहिए हम वो भी करने को तैयार हैं। इन रिटर्न जो हम आपसे डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। डिमांड यही है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट को आउट किया जाए और हमसे ये एफिडेविट लिखवा लें कि इन केस आज नहीं 6 महीने के बाद भी अगर इन्हें इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान ऐसा है जो अनफेयर मीन से इस एग्जाम को क्लियर कर पाया, तो उस इंसान को ये चाहे इम्प्रिजनमेंट करें, चाहे उसको डिबार करें, जो भी अंडर लॉ उसकी सजा बनती है वो उसे मिलनी चाहिए। हम भी उसके हक में हैं। पर जैसा एलजी साहब ने कल भी हमारी इंडिपेंडेंस डे की परेड में भी एक ही बात कही कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत, हम भी यही कहते हैं कि उस प्रिंसिपल को ये ऑन रोड फॉलो करें, उस प्रिंसिपल को ये ऑन रोड इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड पे कि ये जो बच्चे बैठे हैं ये बेगुनाह ही जो है तब भी तो बैठे हैं सर। 34 दिन हो चुके हैं, दो दो साल हमने, हमारी गलती है कि दो दो साल हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन करके अपनी तैयारी करना स्टार्ट करा, अपना काम छोड़ के, किसी ने प्राइवेट जॉब छोड़ी, किसी ने कुछ करा, सिर्फ बैठ के पढ़े हम दो साल, और दो साल के बाद हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है कि हम सड़कों पे बैठे हैं। इतना हार्डवर्क करने के बाद भी अगर इंसान को सड़कों पे बैठना है नौकरी लेने के लिए तो ये मुझे नहीं लगता एक अच्छा मैसेज हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को। तो यही डिमांड है सर हमारी, सिलेक्शन लिस्ट आउट करो, एज सून एज पॉसिबल आउट करो, और जो भी अगर कल्प्रिट फाउंड आउट होता है उसे बाहर करो। मेरा नाम दीक्षा है सर। D1 से हमारी एक ही डिमांड थी कि हमें एलजी सर से एक एश्योरेंस दी जाए कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए। बट आज हमें 35th डे है, हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एश्योरेंस नहीं मिली, वहां से कोई एक भी बंदा यहाँ पे आके हमसे नहीं मिला कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। इतने दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। हमने पहले 2 साल रूम में बैठ के, लाइब्रेरीज में बैठ के पहले पढ़ाई की, वहां पे सेक्रीफाइस किया, अब हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, सिलेक्शन लिस्ट में आने के बाद हमें यहाँ रोड के ऊपर आके अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है।